हम क्यों देंगे भाजपा को वोट? खूब ले रहे हैं पैसा स्कूल वालों से, अपने बात खत्म हो गई, लोग मरे सब। ये गांव मुंडिया मनी है जो गदरपुर विधानसभा में आता है। सड़कों की क्या हालत है एक बार आप देख सकते हैं, इस तरफ से लेकर दहिने देखें या बाएं देखें, दोनों ही तरफ सड़क का ऐसा हाल है कि गड्ढा सड़क में है कि सड़क गड्ढे में है आपको अंदाजा नहीं पता चलेगा। हमारे साथ गांव के कुछ लोग खड़े हैं। भाई साहब, ये कब से ऐसी सड़क? ये 10 साल लगभग हो गए, 10 साल से ऐसी है, और लगभग मंत्री जी से भी हमने कहा, हाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मंत्री जी मतलब शिक्षा मंत्री जो अरविंद पांडे की विधानसभा है, उनसे आप लोगों की बात हुई? जी बात हुई, वो अभी 2-3 दिन पहले भी बात हुई। वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आएंगे तो इस बार हम लोग नाला बनवाएंगे। अच्छा, इस बार जीतेंगे? 10 साल क्या 10 साल सड़क बनाने के लिए कम पड़ता है क्या? सभी लोग आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, सब लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम लोग आएंगे, हाँ, और आपका ये समस्या हल करेंगे। अच्छा। लेकिन कोई हमारे गांव वाले की कोई समस्या हल नहीं होती है, नाले की समस्या ज़्यादा है। बस यही माननीय मंत्री जी से ये हमारा निवेदन है कि हमारा नाला खाली बनवा दे तो हमारा गांव का सभी विकास हो गया। मतलब नाली गांव का जो पानी है उसको बहने की जगह नहीं है? जी जी जी, नाले की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ नाला बन जाए तो पानी, घरों का जो पानी है सारा रोड पे आता है। बस माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारा नाले की व्यवस्था करवा दें। पिछले 10 साल से आपके यहाँ जो विधायक हैं अरविंद पांडे, उनको लेकर आपका क्या है? देखिए सर, मैं जो था मुंडिया मनी ग्राम सेवा से बोल रहे हैं हम। हमारा ये कहना था कि जब पहले पांडे जी आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने वादा करके गए थे कि ये हम जब हमें जिताओगे, हाँ, तुम्हें यहाँ पे हम पक्के नाले, पक्के सड़कें सब बना के देंगे। बट हमें 10 साल से आपके सामने हैं, आप जाके वहाँ पे देखिए, वीडियो बनाइए, आपको पता लग जाएगा आप हमारे गांव में कितना विकास हुआ है। और इस विकास से हमारा मन इतना रूठा हुआ है कि हमारे गांव में इतना प्रतिकोष है कि हम कमल के फूल को विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए हमारा विकास नहीं है, हम विकास किसके करवाएं? हमें जो आश्वासन देते हैं, 2-10 साल हमने देखा, एक बार जिताया हमने, दूसरी बार कहा, इन्होंने आश्वासन दे दे के हमें कोई हमारा नाला कोई प्रस्ताव नहीं दिया। नाला चाह रहे हैं, नाला बन जाए, हाँ, और सड़क डल जाए। सड़क और नाला, सड़क और नाला, हाँ। तो नाला इसलिए मतलब नाला की वजह से सड़क बर्बाद हो जा रही है? हाँ, ये सड़क टूट रही है बार बार पानी की वजह से, पानी कहीं पे नहीं जा रहा, यहीं पे रोड पे घूम रहा है बार बार। तो आपके गांव के कितने आबादी कितनी है इस गांव की? आबादी अब यही है, देख लो, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग। अब नाले की ज़्यादा परेशानी है, और क्या है, बस पानी सड़क पे रहता है, निकास है नहीं पानी का, और क्या है। यहाँ मीडिया तो आती होगी, बगल में है, बड़ा गांव है, काफ़ी लोग महिलाएं बता रही हैं, लोग भी बता रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, फिर भी ये क्यों नहीं ठीक होता है? पता नहीं, मीडिया वाले भी, मुझे लग रहा है कि हफ्ते में 4 दिन मीडिया वाले इसी रोड पे रहते हैं। अच्छा। लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही कोई कांग्रेस वालों ने, ना ही कोई बीजेपी वालों ने, कोई हमारी सुनवाई नहीं। हम हर पार्टी से ये मांग करते हैं कि हमारा नाला जो है, हमारा विकास, बस नाले से हमारा नाला बनवा दीजिए, हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते। एक भाई साहब बता रहे थे कि इसमें आप नाले में खड़ा उड़ा होकर फोटो भी आप लोगों ने खिंचवा ली? जी, मैंने फोटो भी बकायदा, मेरी गाड़ी भी गिर गई बकायदा, यहाँ रिक्शे भी पलटते हैं, और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं है। यानी अब सरकार बदलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी पड़ेगी, सरकार किसी की आए, लेकिन हमारा बस नाला हो जाए, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से, और कुछ नहीं। खड़े हैं भाई जी, आखिरकार ये समस्या इतनी बड़ी है, 10 साल से एक ही पार्टी की सरकार है, तो क्या अब आप सरकार बदलना चाहेंगे? नहीं सर, हम ये नहीं कहते, बाकी हमारी तो शुरू से हर पार्टी जो भी हमारे पास आती रही है, हमारी यही मांग रही है कि हमारा नाला बन जाए। हमें किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना बसपा से, किसी से हमें कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा अगर ये नाला बन जाता है तो आप देखिए, लोग जा रहे हैं तो ऐसे पानी में जाते हैं, लोग गिरते हैं, चोट लगती है, आए दिन यहाँ रिक्शे पलटते हैं, ई रिक्शा वगैरह, कई लोगों को चोट, स्कूल के बच्चे जाते हैं, कई बच्चों को चोट लगती है जो वापस लौट के अपने घर जाते हैं, फिर तो कपड़े गंदे हो जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें दिक्कत ये है कि हमारे साथ साथ रोड पे चलने वाले हर नागरिक को दिक्कत है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो अब जाते हैं, 2-4 बार 5 बार गए हैं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, तो इसलिए नहीं है। क्या उनकी नहीं? सरकार में चलती सरकार है? में शिक्षा मंत्री है साहब, अगर विधायक हो तो तब भी है ना, वो तो मंत्री हैं। अब देखो, शायद इस बार बन जाए। अच्छा, इस बार बन जाए। हाँ जी, तो इस उम्मीद में इस बार भी बीजेपी को वोट देना है? तो वोट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी को ही देना पड़ेगा? बीजेपी को ही देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। अब तक हमने नमक में और बालू में मूंगफली भूनते देखा था, पत्थरों में मूंगफली भून रहे हैं। ये यहाँ की रेता है निहाल की सर, नदी की रेता है यहाँ की, हाँ, उसी में भूनते हैं। तो इस बार जो है
जो चुनावी माहौल है उसमें आपका पक्ष क्या है? हमारा पक्ष क्या है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमने एक दिन वोट देना है और दे देंगे बीजेपी को। सर, जब पूरे कोरोना काल में बैंड बाजा बारात बंद रहा तो कैसे चला जीवन? बहुत परेशानी उठाई है। और अब क्या खुशहाली है? आप थोड़ी खुशहाली आई है, अभी भी पीछे जो सीजन हुआ है और जब से कोरोना काल से जब तक ये इसका इन्होंने नहीं फैला था, जब तक ये कोरोना तब तक तो सही था। तो आप लोगों को राहत दिया मोदी सरकार ने? नहीं साहब, कोई राहत नहीं। कोई राहत? कोई राहत नहीं। आपको याद है 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी ने घोषित किया था, उसमें से कुछ भी आप लोग? कुछ नहीं, पता नहीं चला है, तो हमने अपने स्तर से कर रहे हैं। ये बच्चे मतलब ये कैसे पाले हैं हमने, कैसे करा, कोई राहत नहीं। बड़ी कोशिश करी हमने सब कुछ, हमें सहायता मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाई। तो अब मिजाज क्या बना है चुनाव में आप लोगों का, क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव तो देखिए ऐसा ना, तो अब ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। सरकार, क्या आपका क्या मत है, ये सरकार बनी रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? अरे साहब, आप पब्लिक तो हमें तो ये है कि जो राहत पहुँचाए वो तो अच्छा लगेगा हमें, और जब परेशानी उठा रहे हैं तो हमें क्या सही है। हमने तो बड़ी मुनिस में परेशानी में टाइम गुजारा है बहुत ज़्यादा। सरकार बदलने का मूड लगता है? बिल्कुल बदलनी चाहिए। भाई साहब, क्या हाल है, काम धाम रोजी रोजगार का इस सरकार में? बस साहब ऐसे ही है, जरा चलता था वे चले, दो रोड़ी चाहिए, सुख शांति से मिल रही है, और क्या चाहिए। तो आप लोग तो गरीब माने जाते हैं, शिल्पकार समाज के होंगे, ये बताइएगा मुझे कि कोरोना काल में आप लोगों को राहत वहत मिली सरकार की ओर से? हाँ मिली, मोती तरफ से मिली राहत। क्या क्या दिया उन्होंने? वो राशन ही दिया, जो फ्री का राशन कर रखा था 50 किलो। बस वही राशन से जीवन चल जाएगा? कहाँ चल जाएगा साहब, खाली राशन से बढ़ जाएगा, तेल भी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए कि रहनी चाहिए? बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। अरे जो सरकार काम दिखाएगी वही सरकार पसंद आएगी। अभी जो बीता समय है वो ठीक रहा? समय बीता क्या, वहीं के वहीं रहेगा, और कहाँ है, वहीं के वहीं रहेगा। हाँ, यहाँ जो है मायावती भी खड़ी है, आपका वोट मायावती की तरफ भी जाता है? यहाँ तो मायावती तो यहाँ इतना नहीं है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी है। आपका क्या मन बन रहा है? अब देखो जहाँ जो सही करेगा उसी को सही क्या करेगा, तो 3 ही दिन बचे हैं। देश को सभ्य बनाए रखने में टेलरों का बड़ा योगदान होता है, सुंदर दिखता है आदमी। आपको लगता है ये सरकार देश को सुंदर बना रही है? फिलहाल सरकार तो सुंदर नहीं बना रही है, लॉकडाउन में सबको बर्बाद कर दिया। और बाकी देश में जो माहौल है वो? माहौल भी थोड़ा चेंज हुआ है 2014 के बाद से। बदलाव आया है? बदलाव आया है। नफरत बढ़ी है? नफरत, अत्याचार बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर बदलना चाहेंगे आप सरकार? हाँ, सोच तो यही रहे। कारीगर भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को कोरोना काल में सरकार की ओर से कुछ मदद मिली जब दुकानें बंद थी? हाँ, थोड़ा बहुत राशन जरूर मिला है, और राशन से तो और इसके अलावा और कुछ नहीं मिला बस। अच्छा, मतलब बाकी जो कैश है, जो मदद है, आर्थिक मदद है, ऐसी कोई मदद? ऐसी कोई मदद नहीं हुई है, किसी को भी नहीं मिली है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप वोटर होंगे काला ढूंगी के? बिल्कुल वोटर है काला ढूंगी के हम। तो आप बंसीधर भगत से खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं करा, इस टाइम पे सिर्फ राजनीति, धर्म और इस चीज़ की रह गई है। हाँ। राम मंदिर जैसे, और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है बस, इसलिए। ये बताइए भाई साहब, ये गदरपुर विधानसभा है, यहाँ क्या माहौल? यहाँ गदरपुर विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का? कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। अभी जो ये प्रेमानंद महाजन खड़े हैं, ये क्यों लगता है कि अरविंद पांडे जैसे नेता को हरा देंगे जो कि शिक्षा मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री अभी तक जो क्या नाम, उत्तराखंड के अंदर 20 साल सरकार रही। हाँ। ठीक, उसमें 4 शिक्षा मंत्री बने, चारों शिक्षा मंत्री हारे हैं वो। अच्छा। ये भी एक अपवाद है, 5 बार शिक्षा मंत्री है। हाँ। 5वीं बार विधानसभा चुनाव है यहाँ पे, ये भी एक अपवाद है कि कोई शिक्षा मंत्री जीते नहीं दोबारा यहाँ। अच्छा, यहाँ जो भी शिक्षा मंत्री लड़ता है उत्तराखंड में, एक बार शिक्षा मंत्री बनने के बाद दूसरी बार वो हारे है, ये लगातार 4 बार हो गया, 5 मटर नहीं है। खेला है ये भी खेला ही है यहाँ पे, ये खेला है यहाँ पे। वो क्या शिक्षा ढंग की नहीं देता है क्या, या ढंग का मंत्रालय नहीं? ऐसा ना भाई साहब, एक तो इन्होंने इसका रीजन ये भी है ना, विकास नहीं करा। अच्छा। विधानसभा के अंदर। हाँ। भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, विकास होगा जब भी तो कुछ होगा। हाँ। अब खाली ये थोड़ी है पार्टी पे वोट पड़ेगा, कब तक पड़ेगा भाई साहब? हमारे इधर शहर में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ, कहीं भी देख लो आप आस पास में जितनी ग्राम सभाएं गाँव में जाके देखो, कोई विकास नहीं हुआ। तो अब लोग जो है ना भाजपा की तरफ से ज़्यादा मन भर चुका है लोगों का, तो अब जो है बदलाव चाह रहे हैं लोग, परिवर्तन। तो इस फेरी जो है परिवर्तन होगा। हो जाओ। अच्छा भाई साहब, आप कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर है, हमेशा चुनाव तो जाति आधारित होता है,
तो गदरपुर विधानसभा की क्या ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आपको लग रहा है कि कांग्रेस जाति आधारित चुनाव ही हो रहा है? जाति आधार पर यह है कि 25,000 बंगाली समुदाय का, जिस समुदाय से ही प्रेमानंद महाजन कांग्रेस का कैंडिडेट आता है, ठीक, 35,000 मुस्लिम है जो 90% इसे पढ़ लिया है, ठीक, 47% पंजाबी समुदाय है, 47,000 है, 47,000 पंजाबी समुदाय का वोट है, जिसमें 4 जाति आती है, कंबोज आते हैं, एक तुम्हारे जट सिख आते हैं, एक राय सिख आते हैं और एक खत्री पंजाबी आते हैं मोने, जो मार्केट में यहाँ पे ज़्यादातर हैं। तो इन चारों के ही कम्बिनेशन से ये चुनाव जीत रहा है, ये समुदाय सारे इसके साथ हैं। बाकी अन्य छोटे मोटे समुदाय जो दूसरे समुदाय हैं, जैसे दलित हैं यहाँ पे, भुक्सा जनजाति के लोग हैं और दूसरे जाति के लोग हैं, देसी वर्ग हैं, गरड़िए वगैरह, वो भी अन्य जातियों के वोट भी इसे मिल रहे हैं, लेकिन ये 90% वोट इन जातियों का जा रही है। ये कहना है कि मुस्लिम ठीक है, बंगाली सिख और दलितों का एक बड़ा हिस्सा इन प्रेमानंद महाजन के साथ खड़ा है। भाई साहब, इन लोगों से भी थोड़ा राय समझने की कोशिश करते हैं, व्यवसाय धंधा कैसा चल रहा है इस सरकार में? सरकार सपोर्ट कर दिया इसने, तो धंधा का चली कहाँ रहा है? कुछ नहीं चल रहा धंधा, खाली बैठे हैं सब। बेरोजगारी बहुत, बेरोजगारी हो गई बहुत। इस बार का ये कहना है सर कि इस टाइम कांग्रेस जीतेगी, पक्के बहुमत से जा रही है। अच्छा, 70 विधानसभा 70 सीटें हमारे उत्तराखंड में, 65 कांग्रेस लेके आएगी ऐसा। गदरपुर में हम इस वक्त हैं, आपसे जब बात कर रहे हैं, गदरपुर विधानसभा 10 साल से संभवतः यहाँ बीजेपी है जी, तो इस बार कांग्रेस में ऐसा क्या दिखाया लग रहा है कि जीत जाएगी कांग्रेस में? इसलिए हमारे जो पूर्व आपके जो विधायक चुने हैं हमने, अरविंद पांडे नहीं, प्रेमचंद महाजन। अच्छा, इस बार चुनना है वो उसे समर्थन करना है, क्योंकि वो 40,000 वोटों से वो साफ जा रहे हैं निकल के। एक हमारे शिक्षा मंत्री जो रहे हैं पांडे जी, स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है पिछले 5 सालों से, आपके 20% बढ़ाई है प्राइवेट स्कूलों ने, और एक बार ना कोरोना चल रहा है, स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं, मतलब कोई रोक नहीं, कोई पाबंदी। अरे कोई रोक नहीं, खूब ले रहे हैं पैसा स्कूल वालों से, अपने बात खत्म हो गई, लोग मरे सब। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है, मनमानी हो रही है, देख लो आप, किसी से भी पता कर लो। इसका माहौल बहुत बड़ी चल रहा है यहाँ पे, और किसान आंदोलन में जो रवैया भाजपा ने अख्तियार किया, उसको क्या लेकर कहना है? तो हम तो किसान हैं, हम तो किसानों की तरफ चलेंगे, हम क्यों देंगे भाजपा को वोट? भाजपा को गदरपुर में नहीं, ना गदर मचा देंगे, गदर मचा देंगे हम तो। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।